रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 41वां दिन है। यहाँ हर रोज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जहां कई इलाकों में रूस की भारी बमबारी की वजह से बड़ा नुकसान हो चुका है। रूस के खिलाफ पाबंदियों का दौर बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया है कि वो लेदर, गहने, वाइन जैसे सामान के निर्यात पर रोक लगाने जा रहा है। श्रीलंका में संकट का दौर चल रहा है। देश में आर्थिक संकट के बीच लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया है। कर्फ्यू हटने के बाद लोग सड़क पर उतर गए हैं। आर्थिक संकट से परेशान श्रीलंका के सभी 26 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। देश के ऊपर अरबों रुपए का कर्ज, चुकाने के लिए पैसे नहीं, जरूरी चीजों की भारी किल्लत। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा में दिल्ली और लंदन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की उम्मीद है। जॉनसन की ये पहली भारत यात्रा होगी। 2021 में उनकी भारत यात्रा की 2 योजनाएं रद्द कर दी गई। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कई अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय पक्ष पखवाड़ा 7 से 20 अप्रैल तक चलेगा। इसके अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी सांसदों को पीएम ने आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर आप सभी खुद को अपने क्षेत्र में सेवा में लगाएं। पीएम मोदी ने सांसदों से पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 20 अप्रैल तक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और जनता के बीच जाकर काम करने को कहा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक के बाद एक 3 हमलों को अंजाम दिया। शोपियां में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित दुकानदार पर गोलीबारी कर उसे घायल कर दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ, सीएम शिवराज ने किया योजना का शुभारंभ। 1 साल में 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उद्यम क्रांति योजना को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री श्री सुदर्शन योजना फिर से होगी शुरू। यात्री तहसील और जनपद कार्यालयों में कर सकते हैं आवेदन। भोपाल से विदिशा होते हुए काशी तक जाएगी ट्रेन। कल होगा कलियासोत ब्रिज का शुभारंभ, सीएम शिवराज करेंगे ब्रिज का लोकार्पण। कोलार का 30% ट्रैफिक होगा कम। कोलार के करीब 50 कॉलोनी के 3 लाख लोगों को होगा फायदा। दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 जारी करने के मौके पर सीएम शिवराज का गांवों के विकास पर जोर। नशा मुक्ति की भी की चर्चा, बोले जन जागरूकता से कर रहे हैं नशा मुक्ति की कोशिश। एमपी कांग्रेस की बैठक के बाद बोले प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी अगला चुनाव। नरोत्तम मिश्रा ने ली चुटकी, कहा गजब है कांग्रेस संन्यास की उम्र में सहरा बंधवा रही है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी जीत के लिए कमर कस ली। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कैबिनेट के मंत्रियों के साथ खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के लिए वोट मांगा। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फंसे कालीचरण की जमानत हो गई है। हालांकि कालीचरण को जमानत तो बीते शुक्रवार को ही मिल गई थी, लेकिन दस्तावेजों के कारण 2 दिनों तक रिहाई कर ली। एमपी कांग्रेस के हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को झटका, कांग्रेस विधायक आर्य मसूद ने जताया ऐतराज। कांग्रेस ने राम नवमी बनाने के निर्देश पर बोले मसूद, ऐसे निर्देश जारी कर बीजेपी को मौका दे रही है कांग्रेस। देशभर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज फिर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 80-80 पैसे का इजाफा किया।
मोदी सरकार ने की बड़ी डिजिटल स्ट्राइक। भारत में 22 यूट्यूब चैनल पर लगाया गया बैन। पाकिस्तान के 4 यूट्यूब न्यूज चैनल की शामिल। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में फैला रहे हैं की बात। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चिताते हुए इस संबंध में कहा है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रही। आईपीएल के 13वें मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे से होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। एक तरफ आरसीबी के लिए बतौर कप्तान फाफडू प्लेसिस होंगे तो दूसरी ओर आरआर की तरफ से संजू सैमसन मोर्चा संभालेंगे।